कबीर आज तुम फिर लेट आए हो, तीन चार दिन से आ क्यों नहीं रहे हो? अरे मैडम जी मुझे बर्ड फ्लू हो गया था। अरे बर्ड फ्लू तो पक्षियों में होता है, तुझे कैसे हो गया? अरे मैडम जी आपने इंसान समझा ही कब है, रोज तो मुर्गा बना देती हो। जा तू अंदर बैठ जा। आमिर चलो बताओ ऐसा कौन सा बाज है जो उड़ नहीं सकता? मैडम जी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है लोंडिया बाज। अरे मैं पक्षी की बात कर रही हूँ नलायक, हर तरफ लड़की दिखाई देती है तुम लोग को। अरे मैडम जी वो भी तो बाज ही है, उड़ नहीं सकता बताओ। कबीर। यस मैम। आमिर। प्रेजेंट मैम। आमिर तुम्हारी प्रेजेंस बहुत कम है, तुम एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। अरे तो कोई बात नहीं मैडम, मैं खड़े खड़े दे दूंगा। अरे नलायक मैं ये कह रही हूँ एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। अरे तो मैडम मैं भी तो ये कह रही हूँ, दो घंटे खड़े होकर दे दूंगा। नलायक निकले क्लास से। आमिर तुम इतना लेट क्यों आए हो? मैडम जी वो मेरे मम्मी पापा लड़ रहे थे। वो लड़ रहे थे तो तुम क्यों लेट हुए ये बताओ? मैडम जी मेरा एक जूता अम्मी के पास था और एक जूता पापा के पास था। अब उनकी लड़ाई खत्म हुई तो मैं आया। अच्छा चलो बैठ जाओ। बेटा कल मैंने तुम्हें कुत्ते पे निबंध लिखने को कहा था, तुम लिख के क्यों नहीं लाए? मैडम जी जैसे ही मैंने कुत्ते पे पेन चलाया वो भाग गया। मैडम जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अबान तुम इतनी लेट क्यों आए हो? मैडम जी स्कूटी खराब हो गई थी। अरे तो बस से आ जाते। मैडम जी मैं तो आ जाता लेकिन आपकी बेटी नहीं मानी। मेरी बेटी के साथ क्या कर रहा था तू? तुम दोनों का चक्कर चल रहा है? चलो तुम अंदर, उसे तो मैं बता दियो घर जा। बच्चों ये बताओ सोच और वहम में क्या फर्क है? मैडम जी आप मस्त आइटम हो, ये हमारी सोच है और हम अभी बच्चे हैं, ये आपका वहम है। तुझसे किसी ने पूछा आंसर? तुम्हें बताया था? पागल है कौन है साले, मैडम है वो अपनी। चल भाले का मुर्गा बन जा। बच्चों ये बताओ सबसे तेज पंछी कौन सा उड़ता है? मैडम जी हाथी। ये हाथी कौन बोला? क्या करते हैं तेरे पापा? साउथ की गैंग में शूटर है। सब बच्चों हाथी लिखो। सबसे तेज हाथी उड़ता है, बच्चे ध्यान रखना। बेटा हमें गरीब से हमेशा अच्छे से पेश आना चाहिए। अच्छा मैडम अब समझा मैं, तभी तो पापा काम वाली बाई को गले लगाते हैं और मम्मी दूध वाले को। अच्छा और तुम? मैं आपकी बेटी नेहा को। मेरी लोंडिया से चल लिया था चक्कर? कल को डेट पे भी जाएंगे हम। अभी बताते थे, रुक जाओ। बच्चों जो लोग अच्छा काम करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, तुम कहाँ जाओगे? सॉरी मैडम जी मैं कहीं नहीं जा सकता, माँ ने ना स्कूल से सीधा घर आने के लिए बोला है। और अम्मी ने 10 रुपए दिए हैं, हरा धनिया भी लेके जाना और अदरक भी। हाँ तू बेटा घर ही जा। कोई भी लड़का गर्ल्स हॉस्टल की तरफ गया तो 100 रुपए फाइन लगेगा, दूसरी बार गया तो 200 रुपए फाइन लगेगा, और अगर तीसरी बार गया तो पूरे 500 रुपए फाइन लगेगा। और मैडम जी महीने का पास बनवा में तो कितने का खर्चा आएगा? थड़की मतलब जाना जरूरी है गर्ल्स हॉस्टल की तरफ? और क्या मैडम ऐसे दिन भी तो ना बीतेगा, बताओ कितना खर्चा आएगा? क्या होगा तेरा, क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। अबे तीन बनवाएंगे मैडम।